आगे आगे से देख लो, दो साइड एलईडी डली इसके अंदर, ठीक है। दो साइड एलईडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, ठीक है, देख सकते हैं कितने वोल्ट का एलईडी है, 180 वोल्ट एलईडी है। आगे नीचे फॉग लाइट, अच्छा फॉग लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे एमएक्स रेंज के अंदर नहीं आती है, तो भाई फॉग लाइट भी मिल जाती है। ये जनरल महिंद्रा की हमारी, जनरल महिंद्रा इस साइड में, और नीचे क्या लटक रहा है हमारा, ये 360 ला रहे इसके अंदर, 360 कैमरे लगा रहे हैं, सॉफ्ट टच किया गया, लेटरिंग की पैनल ब्लैक हो गई है, सारे स्विच पैनल ब्लैक हो गए हैं जी। एम्बियंस लाइट, एमएन लाइट भी इंस्टॉल कर दिए, कौन सी K3 K4 आने वाले, ठीक है। इधर हैंडल, इधर हैंडल भी अपग्रेड कर दिए, इसमें नहीं आते जी, आते ब्लैक मैट ब्लैक जो आते हैं लगाते हैं ये। कुछ आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाती है साइड की, ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक, तो भाई कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जय ऑटो। आज फिर से आपके सामने यहाँ पे XUV700 जिसका काम हो रहा है अंडर मोंटी भाई। तो मोंटी भाई कैसे हो? बढ़िया भैया, बताइए। तो आज क्या कुछ लेके आओ, वेरिएंट कौन सा हमारा? ये एमएक्स मॉडल है, एमएक्स मॉडल है। तो एमएक्स मॉडल में क्या कुछ अपग्रेड होने वाला है इस बार? इसमें सारे ही हो रहा है इसके अंदर, आगे से देख लो, दो साइड एलईडी डली इसके अंदर, ठीक है। दो साइड एलईडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, ठीक है, देख सकते हैं कितने वोल्ट का एलईडी है, 180 वोल्ट एलईडी है, ठीक है। तो 180 वोल्ट एलईडी है। बाकी बात कीजिए और क्या कुछ अपग्रेड हो रहा है इसके अंदर? आगे नीचे फॉग लाइट, अच्छा फॉग लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे एमएक्स रेंज के अंदर नहीं आती है, तो भाई फॉग लाइट भी मिल जाती है। ये जनरल महिंद्रा की हमारी, जनरल महिंद्रा, ठीक है। तो भाई जनरल महिंद्रा की हो जाएगी, फ्रंट में हमारा यही काम है, फ्रंट में भी यही काम है, ठीक है। बाकी साइड में क्या कुछ काम है, क्या खुला हुआ है? साइड में मिरर, अच्छा तो साइड मिरर, और नीचे क्या लटक रहा है हमारा? ये 360 ला रहे इसके अंदर, 360 कैमरे लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाई फ्रंट का दिखा दो, फ्रंट का कैमरा का लगने वाला है, फ्रंट की कैमरे की प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ पे लग चुका है, देखो भाई ये फ्रंट कैमरा आने वाला है। बाकी साइड में आपको यहाँ पे दिखा दिया, साइड में नीचे जो कि प्रॉपर ऑटो होल्डर रहने वाला, सारा कपड़े टू कपड़े जेन्युइन महिंद्रा का, ये भी ठीक है। इसके बाद थोड़ा और इसमें से तो क्या कुछ हो रहा है देखो, महिंद्रा जेन्युइन लोअर गार्निश, ठीक है, लोअर गार्निश आपको जेन्युइन वाइजर जेन्युइन महिंद्रा का, ठीक है, ये भी जेन्युइन महिंद्रा का मिल जाता है आपको। इसके साथ भाई देखो पीछे पार्ट दिखा दो, पीछे देखिए जेन्युइन महिंद्रा के सारे पार्ट्स यहां रखे हुए हैं, ठीक है। बाकी अंदर क्या हो रहा है हमारा काम? अंदर देख लो इसका सॉफ्ट टच, जी सॉफ्ट टच किया गया, लेटरिंग की पैनल ब्लैक हो गई है, सारे स्विच पैनल ब्लैक हो गए हैं जी। एंबियंस लाइट, एमएन लाइट भी इंस्टॉल कर दिए, कौन सी K3 K4 आने वाले, ठीक है। इधर हैंडल, इधर हैंडल भी अपग्रेड कर दिया, इसमें नहीं आते जी, आते ब्लैक मैट ब्लैक जो आते हैं लगाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ भाई देख लीजिए हजार लैंप, ठीक है, हजार लैंप में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी भाई ऊपर की तो जो यहाँ पे लेदर रैप है विदाउट रिंकल प्रॉपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है, क्वालिटी वाइज अच्छी मिलती है। बाकी उस्ताद जी अंदर किस चीज का काम कर रहे हैं हमारे? ये 360 का काम कर रहे हैं, अच्छा 360 काम चल रहा है, मतलब इसके अंदर हमारा सिस्टम पूरा चेंज किया जा रहा है। अच्छा तो सिस्टम कौन सा रहने वाला है इस बार का? हाइपरसोनिक रहने वाला है, ठीक है। तो भाई हाइपरसोनिक सिस्टम रहने वाला है, प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, आपका जो कैलिब्रेट होके प्रॉपर दिखा दूंगा क्या कुछ आपको बढ़ाई भी मिल जाता है। बाकी इसके अलावा क्या कुछ है, सीट का वगैरह एक बार दिखा दो, कवर दिखा दो अंदर, लगी टॉप वाला जो अपन लगता है जी भाई, लग्जरी रहने देख सकते हैं, ये कुछ आपकी लुक मिल जाती है। बाकी फिटमेंट वगैरह प्रॉपर आपको देखने मिलती है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। सेकेंडरी बात की जाए स्टीयरिंग के ऊपर भी आपको स्टीयरिंग आप देखने को मिल जाता है, डबल टोन में, डबल टोन मुंडन रहने वाला है। बाकी इसके बाद बाकी पीछे कुछ अपग्रेड हो रहा है इस बार का? साइड में तो पहले साइड में देख लीजिए फुटर्स, चलो पहले साइड में, जर्मन, अच्छा जर्मन फुटर्स फिट हो गया हमारा प्रॉपर, ये प्रॉपर फिट हो गया, एक बार चढ़ जाओगे इस पे? अरे चढ़ जाएंगे भैया आराम से, ये लो भाई देखो, ये महिंद्रा जर्मन है, महिंद्रा जर्मन आने वाला, लो भाई कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। बाकी भैया इसके अंदर ऑप्शंस की बात किया, क्या कुछ हो सकता है ऑप्शन में? इसमें इसके नीचे वाला भी है, मतलब इसकी जो कॉपी है, ठीक है, वो मिल जाएगा जी, उसको नीचे एक और लोगो वाला जो XUV700 लिखा होता है वो भी मिल जाएगा, ठीक है, और कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। अगर किसी के पास अगर प्राइस नहीं होता मतलब इसको बाय करने का, तो वो सस्ते में जा सकता है, वो सस्ते में जा सकता है, ठीक है। बाकी बात कीजिए भैया इसके अंदर इन हैंडल में मजा नहीं आता, कुछ ऑप्शन है इनका भी? इसका भी है स्मार्ट हैंडल, स्मार्ट हैंडल लग जाता है, लग जाएगा। चलो भाई स्मार्ट हैंडल ऑप्शन में अवेलेबल है। बाकी अलॉय व्हील्स का क्या सिस्टम है इस बार का? अलॉय ये आपका महिंद्रा जर्मन, ये लगवा के लाया, लगायो ये लगाया हमारे से, लगाया था दो चार दिन पहले आई थी गाड़ी, तो अच्छा अलॉय लगा के लेके था, पूरा काम हुआ इसमें, ठीक है। तो भाई ये भी हमारे पास ही लगे थे बट कुछ दिनों पहले, हाँ। बट अगर इसके आप कुछ और चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मिल जाएगा। बाकी बैक में क्या कुछ अपडेट का ऑप्शन है? बैक में इसमें देखो बहुत सारी अपडेट करवाने तो मिल जाएगी, नीचे रिफ्लेक्टर वाला दिखाए तो रिफ्लेक्टर अपग्रेड हो चुके हमारे, ठीक है भाई ये हो गया हमारा। और क्या कुछ ऑप्शन है पीछे? किसी भाई को टेलर लगाने, टेलर भी मिल जाएगी, सिक्वेंशियल टेलर जिसको चाहिए, अच्छा जो टॉप मॉडल में आती है हमारी, हाँ जी भाई टॉप मॉडल की आपको सिक्वेंशियल टेलर अवेलेबल मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद बैक कैमरे की प्लेसमेंट दिखा दूं भाई, पहले तो बता दो कैमरे कौन से है? ये DVR का है, अंदर रिकॉर्डिंग DVR लगा, ये कैमरा उसका है, ठीक है, और ये आपका 360 का है, ठीक है 360 का है, वो हमारा DVR कैमरा है, ये आपको प्रॉपर वर्क करने वाला जो कि कैलिब्रेट होने के बाद दिखाएगा। बाकी भी इसमें वाइपर, वाइपर का कुछ ऑप्शन होता है क्या? वाइपर का ऑप्शन भी सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा कैसे होता है, कैसे वाइपर के लिए पूरा शीशा चेंज करना पड़ता है? ये पूरा शीशा, पूरा शीशा चेंज होगा, डिफोगर वाला शीशा लगेगा इसके अंदर, जब जाकर आपका वाइपर लगेगा, ठीक है। तो भाई उसमें शीशा लग हटता है, ठीक है। बाकी जो काम हो रहा है आपको दिखाई दे, जैसे ही गाड़ी कंप्लीट होती है मैं दिखाता हूँ क्या कुछ अपग्रेड है, किस तरीके से मॉडिफिकेशन की गई है। तो भाई फाइनली सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है XUV700 का, और ये सारा जो काम हुआ अंडर हुआ है मोंटी भाई के अंदर।
वन डे भाई कोल्ड ड्रिंक पियो इतनी गर्मी के अंदर, अभी ये तो बता दो काम क्या क्या हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो काम क्या करो ये तो बताओ। काम आपको बताया था पहले भी, जब मेरा हेडलाइट में दो साइड एलईडी, ठीक है, दो साइड एलईडी लगी थी, फॉग लाइट, ठीक है, फॉग लाइट इंस्टॉल की थी यहाँ पे, साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स लगवा के लाए थे पहले से, साइड में लगाए थे अलॉय, ठीक है। ये देखो भाई साइड मिरर, ये कुछ अभी कंप्लीट मिरर है जो आपने देखा था पहले खुला हुआ था, ये पूरा बॉडी पेंट आपको ऊपर देखने मिला है सेम कलर। बाकी भाई यहाँ पे क्रोम आइटम हमने लगाई है, ये हमने लगाई क्रोम आइटम, ठीक है भाई, ये क्रोम आइटम आपका हमारा होने वाला है। सेकेंडरी बात की जाए इसके अंदर क्रोम आइटम की, बाकी है तो भाई देख सकते हैं ऊपर की तरफ डोर वाइजर, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लोअर गार्निश देखने मिल जाएगी, जो विंडो क्रोम बोलते हैं इसे हम, वो मिल जाता है। सेकेंडरी बात की जाए भाई नीचे की तरफ भाई फुट रहा है, जो भाई इस पे चढ़ के दिखाया था आपको, क्वालिटी आपको महिंद्रा जेन्युइन, ये देखो भाई, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट डोर हैंडल का आपको ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है, मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई अंदर दिखाओ, जो तुमने मेन चीज वो सीसीटीवी कैमरा प्लेसमेंट वगैरह दिखा दी, अंदर से दिखाओ, आ जाओ जो अंदर आ जाओ। तो भाई डोर तो आपको दिखा देता है, डोर के अंदर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिलते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ विद सॉफ्ट टच। स्विच प्लेट आपके देख सकते हैं जेन्युइन रहने वाली है, सारा स्विच आपके जेन्युइन रहेंगे, और इनर हैंडल यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। अब देखो अंदर की तरफ, तो भाई सबसे पहले डैशबोर्ड ये देखो, प्रॉपर लेदर रैप भाई, विदाउट कोई रिंकल, सारा काम आपको देखने को मिलता है विदाउट रिंकल, विदाउट कोई दिक्कत, प्रॉपर फिटिंग के साथ, मेनली स्टिचिंग जो है आपके परफेक्ट यहाँ पे रहने वाली है। और भैया एसी वेंट भी अपग्रेड करेगा, एसी वेंट में अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो भाई एसी वेंट भी यहाँ पे अपग्रेड करेगा, देख सकते हैं भाई क्रोम फिनिशिंग। अब पहले मेरे को ये बताओ ये रिप्लेस होता है या फिर पेस्टिंग होता है? ये पार्ट पूरा रिप्लेस होता है, इसमें ब्लैक आता है। अच्छा, तो हम पूरा पार्ट चेंज कर देते हैं। अच्छा, पूरा पार्ट चेंज होता है, तो एक पीस ये हो गया, एक सेंटर का पीस हो गया, एक उधर का पीस हो गया, टोटल तीन पीस में आता है, ठीक है, तीन पीस के अंदर आता है। अब भाई मेनली मैं उस साइड से आऊँ आपको दिखा दूँ क्या कुछ इसके अंदर हमने किया, स्टीरियो 360 कैमरा कैलिब्रेशन वगैरह सब कुछ इसमें एंड तक आपको दिखाते हैं। तो भाई वीडियो में बने रहो, वीडियो के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो भाई अंदर बैठ गए, जरा पीछे कर लो भाई, बहुत करीब हो गया, ले लो भाई। तो अंदर की बात किया तो भाई अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले तो स्टीयरिंग रैप किया गया मून डिजाइन के अंदर। तो भैया इसके अंदर कितने डिजाइन क्या कुछ अवेलेबल होता है? वो देखो अंदर जैसे सीटों की मैचिंग कराओगे जी, उसी के हिसाब से हम मून डिजाइन कर देंगे, ठीक है। किसी भाई को प्लेन ब्लैक चाहिए पूरा जी, तो वो भी प्लेन ब्लैक भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, प्लेन ब्लैक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल, हमारा एमआईडी कंट्रोल दोनों आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे, जिसकी जो कॉर्नर है ये आपके मिलेंगे क्रोम फिनिशिंग के अंदर। भैया गाड़ी क्या लेके बैठो तुम? भैया गाड़ी के अंदर गाड़ी, गाड़ी में गाड़ी, गाड़ी में गाड़ी, लो भाई गाड़ी के अंदर गाड़ी यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी भाई अब ये बताओ कि इसके अंदर आपने 360 लगाया तो जो इंस्टॉलेशन की आपने स्टीरियो की तो किस तरीके से की गई? ये पूरा फ्रेम अलग से आता है, फ्रेम इसका नया आता है, जो इसका पैनल है, जो पहले वाला होता है ना जी, उसमें 8 इंच ही होता छोटा सा जी, तो इसके लिए पूरा फ्रेम नया लगाया जाता है इसके लिए, ठीक है। नया फ्रेम लगने के बाद जी, जब आपका ये एंड्रॉइड लगा 12.5 इंच का, इसके अंदर 12.5 इंच का लगा, तो भाई देख सकते हैं साइज, आप देख सकते हैं 12.5 इंच का साइज रहने वाला है। ऑन करके दिखा दूंगा क्या कुछ फिटमेंट है, बट उससे पहले एक चीज और बताओ भाई, इसके अंदर एमएक्स वेरिएंट आपको पता ही है, एक छोटा सा 8 इंच का बोला था आपने, 8 इंच का, 8 इंच का छोटा डब्बा सा आता है, जो कि भाई महिंद्रा जेन्युइन है, फिर भी उसमें ऑप्शन सारे नहीं मिलते हमें। बात करें इसको ऑन करके दिखा दो क्या कुछ इसकी फिटमेंट वर्किंग आपको देखने को मिलती है। तो भाई ये देखो, ये कुछ आपका इंटरफेस है, ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, मेनली जो इंटरफेस है आपका ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेविगेशन का छोटा सा मैप मिलता है, यहाँ पे भाई आपको देखने मिलेंगे शॉर्टकट्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, ब्लूटूथ म्यूजिक, फाइल मैनेजर, वीडियो, यहाँ पे आपको भाई म्यूजिक मिल जाएगा जो कि आप प्ले कर रहे होंगे, यहाँ पे टाइम डेट मिल जाएगी। अब बात की इसमें क्या कुछ अवेलेबल है, तो भाई क्रोम मिल जाएगा, ब्लूटूथ म्यूजिक मिल जाएगा आपको, वीडियोस, प्ले स्टोर सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है, मैप वगैरह, एप्लीकेशन सब। अब मेनली बात की जाए इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों अवेलेबल होने वाला है या नहीं होने वाला बताएंगे मोंटी भाई? तो अवेलेबल है, नहीं है इसमें एप्पल कारप्ले, सब कुछ एंड्रॉइड इसके अंदर है, सब होने वाला है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड दोनों मिल जाएगा। मेनली जो ये एंड्रॉइड लगाया गया तो भाई ये लगाया 360 के लिए, तो भाई 360 लुक दिखा देते हैं, ये आपका 360 ऐप, ये कुछ आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाती है साइड की, ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक, तो भाई कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी बात की जाए इसके अंदर आपको ऑप्शंस कई सारे मिल जाते हैं, बात की जाए देख सकते हैं ये आपका फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, और भाई ये देख सकते हैं 3D व्यू, ये कुछ आपका 3D हो रहा है, कैलिब्रेट हो चुका प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं चारों साइड आपको कवर कर रही है, यहाँ पे पीछे एक बंदा खड़ा है इसलिए थोड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट पूरा कैलिब्रेट किया गया है ये, इसको आप फ्रंट से देखो, फ्रंट से प्रॉपर रहेगा, साइड से देख सकते हैं, कहीं से भी देखिए, जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके अंदर क्या कुछ अवेलेबल होता है, तो अवेलेबिलिटी सारी मिलने वाली है, अवेलेबिलिटी में कोई ऑप्शन इसमें नहीं होने वाला, मतलब कि जो जो आपको चाहिए वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा।
तो भैया मेरे को बात बताओ, जैसे कि इसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह किया है, इसके साथ साथ आपने एमएल लाइट भी करी है यहां पे, एमएल लाइट करी K4 इसके अंदर, K4 में। तो भाई K4 में से कितने पीस हमारी है ये? 6 पीस है, 6 पीस के अंदर डैशबोर्ड में और चारों डोर में रहने वाली है। ठीक है भाई, 6 पीस के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल किए, देख सकते हैं अलग अलग मोड मिल जाते हैं। और इसका एक स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मल्टीपल आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। ये देखिए बाकी भैया एमबिएंट लाइट की स्टार्टिंग किससे होती है, हमारी कितने प्राइस से स्टार्टिंग हो जाती है? एमबिएंट लाइट तो देखो 3500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा 3500 स्टार्टिंग हो जाती है, चलिए 3500 स्टार्टिंग हो गई। अब मेरे को एक बार बताइए जो सॉफ्टवेयर वगैरह है इनकी क्या कुछ प्राइस होती है, मतलब ये क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग होती है? क्वालिटी के हिसाब से होता है। अच्छा क्या कुछ ये लग्जरी टॉप वाला ये सेम करवाओगे तो इसमें चारों डोर में तुम्हारा 9000 रुपए खर्चा आता है, चार डोर के अंदर, चारों डोर में मतलब 11 पीस होता है टोटली, 8 पीस तो ये होगा आपके ऊपर नीचे के, ठीक है, 2 डैशबोर्ड में जी, एक आर्मरेस्ट में। चलिए ठीक है, आर्मरेस्ट पे भी क्या देख सकते हैं भाई, लेदर रैप अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। ये टोटल हमारा 11000 में होता है, 9000 में। ठीक है, 11 पीस 9000 के अंदर आपको मिल जाएंगे। एसी वेंट की बात क्या, इसकी क्या कुछ प्राइसिंग पड़ जाती है अपनी? 5500 रुपए। 5500 रुपए तीनों के। ठीक है भाई, तीनों को 5500 रुपए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल एमआईडी कंट्रोल की बात किया तो इनका क्या कुछ पड़ेगा? 5500 रुपए। 5500 रुपए पड़ जाएगा विद एमआईडी। अच्छा विद एमआईडी, मतलब इन दोनों का मिला के 5500 के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी स्टीयरिंग का तो छोटी मोटी चीज है भाई, आपके जैसा 1000-1200 के अंदर तो हो ही जाता अपना, मे भी सिंगल कलर का होगा तो 1500 रुपए का। अच्छा, ये मून डिजाइन कराओगे फुल में, ये देखो कोने यहाँ तो दिखाओ, अंदर तो दिखाओ, ये देखो भाई प्राइस टू है इसका 2000 रुपए खर्चा रहने वाला है। अच्छा इसका 2000 आता है, बाकी आप किसी और शॉप पे जाओगे तो भाई यहाँ यहाँ तक करके दे देते हो, दिक्कत आती है तो वो आपका सस्ता पड़ जाता है। मेनली काम जो भाई आपको प्रॉपर मिलने वाला है। अब जो मेन चीज है सीट कवर, तो सीट कवर दिखा दो, सीट कवर देख लो, लग्जरी लाइन सीट कवर आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ क्वालिटी है, जैसा इंटीरियर आपको सीट कवर दिख रहा है वही इंटीरियर हमने पूरा डैशबोर्ड लेदर है सर जगह पे किया गया। अब भाई देखो पहले तो विदाउट रिंकल है, काम बहुत प्यारा है, काम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही भाई, सबसे बेस्ट काम मिलेगा। आगे का भी सेम है, पीछे का भी सेम है, मतलब क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। और जो होता है ना फिटमेंट बढ़िया वाली चीज, वो भी चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मेन चीज ये होता है ना अपना थाई सपोर्ट, मैं खड़ा हो जाता हूं, ये चीज थाई सपोर्ट, ये देखो ये चीज देखो ये कितनी बाहर निकली हुई है। जी भाई देखो थाई सपोर्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, मतलब अच्छी लॉन्ग जर्नी पे आपके लिए बेस्ट चीज रहने वाली है, जिसके वजह से भाई आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है इसके अंदर। तो भाई ये सब इसके अंदर काम हुआ है। बाकी बात की जाए भाई एक बेसिक जो रेंज होती है इंटीरियर की, पूरे इंटीरियर की, जिसमें सीट कवर हो गया, आपके आर्मरेस्ट वगैरह हो गया और आपके एमएल लाइट हो गया, तो इसका एक बेसिक खर्चा क्या कुछ आता है? मिनिमम से मिनिमम वो लेकर चलाती है 35000 रुपए के समथिंग लेकर 35000 से ऊपर, बाकी सब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, सब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई जितने बाकी होने को काम आपका 25000 रुपए मिल जाएगा, 20 में हो जाएगा, मेन होता है क्वालिटी। जी तो क्वालिटी अच्छी होगी तो उस हिसाब से यहाँ पे बाकी उसकी प्राइसिंग पड़ जाएगी। बाकी आप 20, 25, 30, 35 जो भी आप लेके आए उसके अंदर आपका इंटीरियर तैयार हो जाएगा। बाकी हर चीज की अलग अलग प्राइसिंग है, उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भैया इस काम के लिए आना कहाँ पे है? जे ऑटो कोलबाग। ठीक है, तो भाई जे ऑटो कोलबाग पे आना, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कीजिए, लोकेशन आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नई मॉडिफिकेशन, जब तक के लिए बाय।